हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है वो है दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे इसके चिन्ह दिए हुए हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो समझो। बच्चे इसमें क्या करते हैं, चारों ऑप्शन चेक करते हैं। चारों ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे ना तो चेक करने में देर लगेगी, क्वेश्चन को करने में 5-10 मिनट खर्च हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना है एकदम जल्दी से। कैसे करना है? पहले आपको इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है ये देखना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहां पर, 24। 24 के पीछे एक छोटा नंबर होगा 3। अब आपको यह देखना है कि 24 जो है वो 3 से कट रहा है या नहीं। अगर 24 3 से कट रहा है, 3×8=24 कट रहा है, यानी यहां पे भाग का चिन्ह आना चाहिए। अगर ऐसा होता कि 24 ना कट रहा होता, ऐसी कोई पीछे संख्या होती, ऐसे 7 होती यहां पर, 24 नहीं कटता 7 से, फिर हम 24 से छोटा नंबर देखते। यानी पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, बड़े नंबर के पीछे एक छोटा नंबर होता है, अगर वो उससे कट रहा होता है ना तो हम कितने से, तो वहीं पर डिवाइड ले लेते हैं। अगर वो नहीं कटता तो इससे छोटा देखते, फिर 15। जब तक पीछे वाली संख्या अगली वाली संख्या को ना काट दे तब तक वहां पर डिवाइड का चिन्ह नहीं लेना है। यानी 24 कट रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर पे डिवाइड का चिन्ह आना चाहिए। ये सेकंड नंबर पे काय का चिन्ह आना चाहिए, डिवाइड का। अब हम देखेंगे कि सेकंड नंबर का डिवाइड चिन्ह कौन कौन से ऑप्शन में है, यानी एक तो बी में है और एक तो क्या है, सी में। यानी दो ऑप्शन में डिवाइड का चिन्ह है सेकंड नंबर पे। यानी कभी कभी तो हमें पहली बार में ही पता चल जाता है, कभी कभी तो हमें पहली बार में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे डिवाइड आएगा। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में डिवाइड होता तो हमारा यही आंसर हो जाता, या यही आंसर हो जाता जो भी, अगर एक ही ऑप्शन में सेकंड नंबर पर डिवाइड होता तो। लेकिन दो ऑप्शन में है सेकंड नंबर पर डिवाइड, तो हम दोनों को देखो। कैसे देखेंगे, दोनों में क्या फर्क है, बस माइनस प्लस का फर्क है। किसका फर्क है, माइनस प्लस का। तो देखो 15 अगर यहां पर हम चेंज नहीं कर रहे, यहां पर केवल हमें जहां का पता चला है, यहां पर डिवाइड का पता चल गया हमें, डिवाइड 3, बाकी चिन्हों को ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, बाकी हम चेंज नहीं कर रहे। लास्ट में तो इक्वल टू है ना, दोनों में लास्ट में तो इक्वल टू है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे हम 6, और यहां पर आ गया 17 लास्ट में। ठीक है, यानी दो चिन्ह हमने ऐसे छोड़ दिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15, 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3×8=24, ये आ गया 6=17। अब हमें 15, 8, 6 से क्या लाना है, 17। 15, 8 और 6 से क्या लेके आना है बच्चों, 17 लेके आना है। तो देखो कैसे आ सकता है, तुम खुद सोचो कि 15 और 8 23, 23 में से 6 माइनस करोगे तो 17। यानी अगर यहां पर प्लस फिल कर दें और यहां पर माइनस फिल कर दें तो बताओ क्या नहीं आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 15 और 8 23, 23 में से 6 गया 17। यानी हमने पहली जगह पर क्या प्लस करा, क्या चिन्ह फिल करा, प्लस, उसके बाद डिवाइड, यहां पे क्या फिल करा, माइनस, और फिर इक्वल टू। तो हमारा क्रम बन गया प्लस, डिवाइड, माइनस और इक्वल टू, जो कि ऑप्शन सी में है, प्लस, डिवाइड, माइनस और इक्वल टू। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर तुम क्वेश्चन करोगे, तो आपका टाइम खर्च नहीं होगा, एकदम से बता दोगे पहली बार में ऑप्शन देखते कि ये है आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे, सबको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कई बार यह सवाल आया हुआ है, सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, और भी ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है, कितने त्रिभुज हैं, इसमें पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कैसे करते हैं, देखो बच्चों आपको मैंने क्लास में भी कई सारी ट्रिक बता रखी है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इसमें नंबर डाल दो, 1 और 2 = 3। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर ऐसा पोर्शन अगर बना हुआ है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों, 1 और 2 कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, ऐसे पोर्शन में कितने त्रिभुज होते हैं, 3। तो हमें 1 और 2 = 3, 1 और 2 = 3। अब हमें गिनने पूरे टोटल मिला के, देखो 3 ये 3 ये 3 ये, कुल मिला के कितने हो गए, 9। 9 तो यहां से यहां तक ही हो गए, 9 तो यहां से यहां तक ही हो गए। अब देखो 9 कैसे, 3 ये 3 ये 3 ये 9 हो गए, 9 के बाद एक बाहर वाला, 9 और 1 = 10। ये बताओ कौन कौन से गिन गए, 3 तो ये 3 ये 3 ये 9 और एक बाहर वाला, कितने हो गए, 10। अब देखो 10 के बाद ये जो लाइन है,
ये जो मध्यिकाएं जा रही है ना बीच बीच में से, ये हर एक लाइन त्रिभुज को कितने भागों में काट रही है? दो भागों में। एक लाइन त्रिभुज को कितने भागों में काट रही है? दो भागों में काट रही है। देखो जब ये लाइन यहां से निकल के गई ना, तो इसने बना दिए एक त्रिभुज के दो त्रिभुज। कैसे? एक इधर को 11 और एक इधर को 12, मतलब दो बढ़ा दिए। ये 10 में काउंट नहीं हुए थे, अब दो बढ़ गए, 10 और 2 12। अब जब ये लाइन निकल के गई तो इसने भी दो त्रिभुज बना दिए, एक इधर को 13 और एक उधर को 14, दो इसने बढ़ा दिए। ऐसे ही जब ये लाइन यहां से निकल के गई तो इसने भी एक लेफ्ट में 15 और एक राइट में 16, दो त्रिभुज बना दिए, 10 6 16, यानी 3 इसके 3 इसके 3 इसके 9 हो गए और एक बाहर वाला कितने हो गए? 10। 10 के बाद ये जो लाइनें जा रही है ना बीच बीच में से निकल के, इसने हर एक ने एक एक त्रिभुज बनाया, तो 10 और 6 कितना हो गया? हर एक ने दो दो त्रिभुज बनाए हैं, मतलब एक लाइन से भी दो बन गए, एक लेफ्ट एक इधर, इस लाइन से भी दो बन गए, एक इधर और एक इधर, और इस लाइन से भी एक लेफ्ट में और एक राइट में, यानी दो 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 कितनी जगह? 3 जगह 6 हो गया, तो 10 और 6 16, तो 16 आंसर हो गया बच्चों इसका। कई बार आया हुआ है ये ऑप्शन ए, 16 आंसर होता है। अगर ये आकृति आपको मिले तो इसका आंसर कितना? 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिशा और दूरी से है, ये बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत इजी है ये। देखो कैसे है, एक व्यक्ति 30 मीटर जाता है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर 30 मीटर जाएगा, एक व्यक्ति 30 मीटर चला गया दक्षिण की ओर, ठीक है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। देखो अगर आपको दिशा और दूरी में दिशाओं का पता है ना कि कौन सी दिशा कहाँ है, और ये पता है कि लेफ्ट राइट किधर किधर है, अगर हम दक्षिण में जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर पड़ेगा, ईस्ट में जा रहे हैं तो पूर्व, ईस्ट में जा रहे हैं तो बायां दायां किधर पड़ेगा, इस तरीके से लेफ्ट राइट की नॉलेज है और डायरेक्शन की नॉलेज है, तो आप सवाल कभी गलत नहीं कर सकते। तो देखो कैसे, देखो दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ गया और कितने मीटर चला गया? 30 मीटर, ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, बाएं मुड़ा और कितना गया? 20 मीटर, ठीक है। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, पुनः बाएं मुड़ेगा इधर को 30 मीटर जाता है, तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थल कौन सा होता है बच्चों? जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है वो होता है प्रारंभिक स्थल। यहां से व्यक्ति ने चलना शुरू करा, ये प्रारंभिक स्थल हो गया, ठीक है। यहां से अब हमें यहां तक की दूरी बतानी है, यहां पे पहुंच गया ये, इसकी सीध में पहुंच गया ये, ठीक है, इसकी सीध में पहुंच गया है, ये बिंदु है, तो ये दूरी बतानी है। तो जब ये 30 है, ये 30 है, जब दो आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं तो आमने सामने की दो लाइनें अपने आप बराबर हो जाती हैं, तो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर। अब 30 तो यहां से यहां तक हो गया, 20 नीचे को, 30 और 20 कुल मिला के कितने मीटर हो गया? 50 मीटर। यानी ये यहां से चला था और यहां पे आ गया, तो कहां पहुंच गया बच्चों? 50 मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगर दिशा पूछी होती तो दक्षिण में पहुंच गया, ऊपर से चला था और यहां पर आ गया, दक्षिण में पहुंच गया। बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बच्चों ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो इसको कैसे करते हैं, मैंने बताया है कि हमें कभी कभी लाइन दे रखी होती है वर्टिकल और कभी कभी दे रखी होती है हॉरिजेंटल। अगर ऐसे ऐसे लाइन दे रखी है वर्टिकल, यानी ऊपर से स्थान दे रखा है और नीचे से स्थान दे रखा है, ऊपर से दे रखा है स्थान और नीचे से, तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले को तो लेना है लेफ्ट, ऊपर वाले को क्या करना है? लेफ्ट, और नीचे वाले को राइट, नीचे वाले को आपको क्या करना है? राइट, ठीक है। अगर ऐसे दे रखी है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट यानी बायां, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर राइट यानी कि दायां। अब रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, कोई सी भी कक्षा का हो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है, ऊपर से 16वें का मतलब बाएं से 16वें स्थान पर है रमन। रमन बाएं से कितने नंबर पे है बच्चों? 16 नंबर पे। रमन बाएं से कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। तथा नीचे से कौन से स्थान पर है? 49वें, मतलब इधर की साइड से जब हम रमन को गिनेंगे तो इधर की साइड से रमन आ रहा है कितने नंबर पे? 49 नंबर पे। उधर की साइड से 16 नंबर पे, इधर की साइड से 49 नंबर पे। देखो इधर से जब 16 है तो इसका मतलब रमन से इधर कितने लोग होंगे? 15। इसका मतलब यह है कि इसके इधर कितने लोग होंगे? 15वां, क्योंकि ये 16वां है। जब इधर से ये 49 है तो इसका मतलब इधर की साइड इसमें कितने लोग होंगे? 48। तो 48 ये और 15 ये, 48 और 15 कितने हो गए? 63, और एक रमन खुद कुल मिला के कितने हो गए? 64। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ना करके सवाल को, अगर हम दोनों
वैल्यू को जोड़ दें, इसको भी और इसको भी, अगर हम 16 और 49 को जोड़ दें, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं टोटल निकालूं और लेफ्ट और राइट को जोड़ें, तो लेफ्ट और राइट को अगर हम जोड़ेंगे तो बताओ रमन की काउंटिंग दो बार नहीं हो जाएगी? रमन की काउंटिंग दो बार कैसे हो जाएगी कि 16 भी रमन को लगा के ही है और 49 भी रमन को लगा के ही तो है, यानी 16 में भी रमन की काउंटिंग हो रही है और 49 में भी रमन की काउंटिंग हो रही है। यानी हम क्या करेंगे कि जब भी हम टोटल निकाले करेंगे लेफ्ट और राइट को जोड़कर एक कम कर दिया करेंगे, क्योंकि ये वाला जो व्यक्ति होता है इसकी काउंटिंग कितनी बार हो जाती है? दो बार। तो हम इसलिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देते हैं, क्योंकि दो बार काउंटिंग हुई है इसलिए एक कम कर देते हैं, क्योंकि हमें एक व्यक्ति की काउंटिंग कितनी बार करनी है? एक बार। अब देखो 16 प्लस 49 माइनस 1, 49 और 16 कितना? 65, 65 में से गया 64, तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 64, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया बच्चों, ए 64 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये है आयु वाला, एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो कैसे करेंगे इसे, देखो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, अगर अनुपात वाला सवाल होता तो इसमें जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है वही ट्रिक लग जाती है, लेकिन यहां पर योग का है तो कैसे करेंगे इसके करने के? तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको बाई मेथड करूं तो कैसे करूंगा कि अगर मैं मान लू पिता को एक्स और पुत्र को क्या मान लू? बाई। पिता एक्स हो गया और पुत्र क्या हो गया? बाई। पिता एक्स और पुत्र की आयु मान ली बाई, वर्तमान में, वर्तमान में पिता की आयु मान ली एक्स और पुत्र की आयु कितनी मान ली बच्चों? बाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको यह करना है कि अगर इन दोनों की आयु का योग 45 है तो x प्लस y इक्वल टू 45, x प्लस y इक्वल टू 45, ठीक है, x प्लस y यानी दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है? 45। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने। अब हर क्वेश्चन में, एज की हर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी होती है कि 5 साल पहले ऐसा था, 10 साल बाद ऐसा होगा, इस तरीके से कुछ कंडीशन दे रखी होती हैं, जैसे कि इसमें दी है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना था, यानी 5 साल पहले, अगर हम 5 साल पहले की कहानी देखें तो 5 साल पहले क्या था बच्चों? 5 साल पहले ये था कि 5 साल पहले पिता की आयु बताओ कितनी होगी, जो आज x साल का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? x माइनस 5 का, ठीक है, जो बाई का है आज की डेट में वो 5 साल पहले कितने का होगा? बाई माइनस 5 का। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता कितने के होंगे? x माइनस 5 के, 5 साल पहले पुत्र कितने का होगा? बाई माइनस 5 का। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो 5 साल पहले वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। उस समय पिता की आयु कितनी थी? पिता की आयु तो उस समय x माइनस 5 थी ना, उस समय किस समय? 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की, 5 साल पहले इन दोनों की जो आयु का गुणनफल था ना वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के बराबर था, ये कह रहा है, उस समय मतलब 5 साल पहले वाली आयु के। अब देखो सवाल खत्म हो गया, कैसे हो गया खत्म? x माइनस 5 से x माइनस 5 काट दो, बाई माइनस 5 बराबर 4, तो बाई बराबर 5 प्लस 4, तो बाई बराबर 9, यानी ये प्लस का हो गया उधर गया, तो बाई बराबर कितना आ गया? 9। तो जब बाई का मान 9 आ गया तो दोनों का जोड़ था, दोनों का जोड़ कितना था? 45। दोनों का जोड़ कितना था? 45। जब एक 9 आ गया तो दूसरा कितना आ गया? 36। ठीक है, और भी आगे सवाल करना चाहते हो तो यहाँ 9 रख दो, x प्लस 9 बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36। यानी पिता कितने साल के आ गए? 36, और पुत्र कितने साल का आ गया? 9। ठीक है, तो 36 और 9 यानी ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, ये तो था मेथड, अगर तुम इसे बाई ऑप्शन भी करना चाहते हो ना तब भी कर सकते हो। कैसे? देखो इनमें देखो 35 और 10 को अगर चेक करें, अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें, ऑप्शन ए को, तो ऑप्शन ए की अगर माने तो पिता कितने साल का मानना पड़ेगा हमें? 35, और पुत्र कितने का मानना पड़ेगा? 10 का। अब कह रहे हैं 5 साल पहले उन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के। तो 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब 35 में से 5 कम करो कितना? 30, और 5 साल पहले इसमें से 5 कम करो 5। 5 साल पहले ये थी आयु, जो पिता 5 साल पहले, जो आज 35 का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? 30 का। जो पुत्र आज 10 साल का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? 5 का। 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना, गुणनफल करके देखो, 30 पंजे 150,
पाँच साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल आ गया ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि पाँच साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना वो पिता के उस समय की आयु के चार गुने के बराबर था। पिता की उस समय आयु थी कितनी? 30। अब बताओ 30 का चार गुना कर रहे हो तो उस समय की आयु के गुणनफल के बराबर आ रहा है? 30 चौक तो 120 होता है, तो ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी को चेक करें तो पिता हमें कितने के मानने पड़ेंगे? 36, और पुत्र कितने का? 9 का। अब 5 साल पहले की कहानी चेक कर लो इसमें। 5 साल पहले ये पिता कितने के होंगे भाई? जो 36 के हैं वो 5 साल पहले तो 31 के होंगे। जो पुत्र आज 9 का है वो 5 साल पहले तो भाई 5 का होगा, 5 साल पहले सॉरी 4 का होगा। 5 साल पहले कितने का होगा? 4 का। ठीक है, जो पुत्र आज 9 का है वो 5 साल पहले 4 का ही तो होगा। 5 साल पहले ये पुत्र की आयु है, 5 साल पहले ये पिता की आयु है। कह रहे हैं इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना 5 साल पहले वो पिता के उस समय की आयु के चार गुने के बराबर था। अब 31 चौक 124, इन दोनों की आयु का गुणनफल ये आ गया। अब कह रहे हैं इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के। पिता की उस समय आयु थी 31, 31 का 4 गुना करके देख लो, 31 चौक 120। बताओ बराबर बराबर आ रहा है ना। पिता की उस समय की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का उस टाइम का गुणनफल और पिता की आयु के चार गुने के बराबर है। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है ना, पिता की आयु थी 5 साल पहले 31 और पुत्र की आयु थी 5 साल पहले कितनी? 4। पिता की और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है वो पिता की उस समय की आयु के चार गुने के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कंडीशन सही बैठ गई, यानी यही आंसर है, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन से चेक करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आपका मेथड हो गया ये बाई ऑप्शन, क्लियर है बात? तो आंसर इसका हो गया बी, 36 वर्ष और 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो बच्चों ये वाला चैप्टर तो मैथ में भी होता है और ये रीजनिंग में भी होता है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल छोटे घनों की संख्या है 216 और कुल छोटे घनों की संख्या निकाली जाती है घन के आयतन से, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। और इसका जो कुल छोटे घनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है एन क्यूब। कुल छोटे घनों की संख्या जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है एन क्यूब से। तो एन क्यूब बराबर 216 लिख सकते हैं, तो एन क्यूब बराबर 216 लिख दिया तो एन बराबर ये हो जाएगा 216, इसके ऊपर घनमूल लग जाएगा और ये कितने का होता है? 6 का। तो एन बराबर कितना आ गया बच्चों? 6, है ना। अब n का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चों, बड़े घन की भुजा, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखो बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है भाई? बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा निकालनी है। ठीक है, तो n का मान कितना है? 6 बराबर बड़े घन की भुजा हमें निकाल ली है और छोटे घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब बताओ ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर 8 × 6 = 48 बराबर बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी आ गई बच्चों? 48। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 48 सेंटीमीटर। आसान में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। देखो ये है, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया फिलो, ये लिख दिया बी सी डी ई, तो उसी भाषा में एक्स यू आर ओ को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप इसमें अपोजिट चेक किया करो। अपोजिट कैसे? एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। यू उधर लिखा हुआ नहीं है, तो जब यू नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अपोजिट तो चल नहीं रहा, और जब अपोजिट नहीं चल रहा तो इसके नंबर ही लिखने पड़ेंगे। तो नंबर लिख दो इसमें 6, 9, 12, 15, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब 6 से हमें 2 लाना है तो कैसे आएगा? डिवाइड अगर हम 3 से कर दें, 9 से हमें 3 लाना है तो डिवाइड अगर हम 3 से कर दें तो आ जाएगा 3, 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, 15 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। तो ये डिवाइड वाला लॉजिक कम लगता है सवालों में, लेकिन यहाँ पर यही चल रहा है, डिवाइड हो रहे हैं कितना? 3 से। अब देखो 24, 21, 18, 15,
24 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो 3 अट्ठे 24, 8 एच आ जाएगा। 21 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 पे कौन आ जाएगा जी। 18 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 छंग 18, 6 पर क्या आएगा एफ। 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 पंजे 15, 5, 5 पे क्या आ जाएगा ई। तो एच जी एफ ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा एच जी एफ ई। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चों, एच जी एफ ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच जी एफ ई ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों क्रिसमस डे है तो नव वर्ष किस दिन होगा यदि आज रविवार है। तो देखो, हमसे पूछा, हमसे कहा है कि यदि परसों क्रिसमस डे है तो नव वर्ष किस दिन होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, परसों क्रिसमस डे है, अगर मैं कहता कि परसों क्रिसमस डे था तो बीते हुए की बात चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब परसों क्रिसमस डे है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल, आने वाले परसों की बात चल रही है। तो परसों को जब क्रिसमस डे है बच्चों, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि परसों को 25 दिसंबर है। परसों को अगर क्रिसमस डे है तो मैं अपनी भाषा में ऐसे बोल सकता हूँ कि परसों को 25 दिसंबर है। और जब परसों को 25 दिसंबर है, परसों को 25 दिसंबर है तो बताओ आज कितना दिसंबर है। जब परसों को 25 दिसंबर है तो आज कितना दिसंबर है भाई, 23 दिसंबर। आज कितना दिसंबर है, 23 दिसंबर। और आज का दिन तो हमें सवाल में दिया हुआ है, आज का दिन क्या है भाई, आज का दिन है भाई रविवार। आज का दिन तो दे रखा है ना, आज की डेट हमने पता कर ली। कैसे पता कर ली, क्योंकि परसों को क्रिसमस डे है, इसका मतलब परसों को 25 दिसंबर है, और परसों को जब 25 दिसंबर है तो आज कितना दिसंबर है, 23 दिसंबर। और आज का दिन हमें सवाल में दिया है क्या है, रविवार। और जब आज रविवार है तो भाई परसों को क्रिसमस डे वाले दिन क्या दिन होगा, मंगल। क्योंकि जब आज रविवार है तो परसों को क्या होगा बच्चों, मंगल होगा। और हमेशा याद रखना कि जो दिन क्रिसमस डे का होता है वही दिन नए साल का होता है। अगर क्रिसमस डे बुध का है तो नया साल भी बुध का होगा, अगर क्रिसमस डे शनिवार का है तो नया साल भी शनिवार का होगा। क्यों, क्योंकि उससे ठीक 7 दिन बाद होता है नया साल। तो अगर क्रिसमस डे मंगल को आ गया तो नव वर्ष यानी 1 जनवरी को भी क्या होगा, मंगल। 1 जनवरी को भी क्या होगा, मंगल। तो नव वर्ष किस दिन होगा, मंगल। अब देखो, अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हम कैसे करेंगे भाई, परसों को जब 25 दिसंबर है, परसों को कितना दिसंबर है, 25 दिसंबर। कैसे पता, क्योंकि परसों को क्रिसमस डे है। अब आज कितना दिसंबर है, क्योंकि परसों को 25 तारीख है, तो आज तो भाई 23 तारीख है, तो आज का दिन तो हमें पता चल गया क्या है, आज का दिन रविवार। और आज का दिन जब हमें पता चल गया तो 7 दिन बाद वैसे चले जाओ, कैसे, आज 23 दिसंबर है तो 7 दिन बाद 30 दिसंबर को क्या आएगा बताओ, रविवार ही आएगा। जब 23 दिसंबर को रविवार है तो 30 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार। और 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार। और नया साल तो 1 जनवरी को होता है बच्चों, नव वर्ष कब होता है, 1 जनवरी को नव वर्ष होता है, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को क्या होगा, नव वर्ष किस दिन होगा, मंगल में। तो नव वर्ष मंगल में होगा, नव वर्ष कब होगा, मंगल में। और आप लोगों का भी नव वर्ष मंगल में होना चाहिए, इसीलिए तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों मंगल, ऑप्शन ए मंगल। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है मिसिंग नंबर से। ठीक है, मिसिंग नंबर है, इन चारों से हमें ये अंदर वाला नंबर लाना होता है। तो इसमें क्या क्या पैटर्न बनते हैं पहले वो समझ लो। इसमें कभी कभी तो होता है ऐसे मल्टीप्लाई, 5 7 35 4 3 12, 35 और 12 को जोड़ दिया। कभी कभी होता है क्रॉस में, 5 3 15 7 4 28, इनको या तो जोड़ दिया या माइनस कर दिया। कभी कभी होता है इन चारों नंबरों को जोड़ दो, 5 7 12 और 3 15 और 4 19, 19 को किसी से गुणा करके बीच में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अब ये तीनों लॉजिक तो इसमें लगे नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, स्क्वायर या क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब और चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, 7 का स्क्वायर 49, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 49 99, यानी इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब ऐसे इसमें करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40, 40 और 49 89, 89 और 25 114, यानी ये सही है। इसमें क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो जब दोनों में स्क्वायर चल रहा है तो इसमें भी क्या होगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, तो 81 और 9 90। देखो 81 और 9 कितना हो गया, 90, 90 और 25 कितना हो गया, 115। ठीक है, 115 और 49 कितना हो गया बताओ, 115 और 49 159। देखो 115 और 49 कितना हो जाएगा, देखो 115 और 49
164, ठीक है, 115 और 49 कितना हो गया, 164, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 164, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब बच्चों हो गया ऑप्शन बी 164, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, देखो देखो इसमें क्या है, ये इसे बोलते हैं विशेष प्रकार की श्रृंखला, ये होती है एक विशेष श्रृंखला। विशेष श्रृंखला में क्या होता है बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हम कभी कभी प्लस माइनस करते रह जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रकार से क्या चल रहा होता है, जैसे अगर सेम नंबर लिख रहे हैं ना, डिजिट वही है सेम, तो देखो कैसे 6 यहाँ पे पहुँचा दिया, 0 यहाँ पर, 4 वाला लास्ट में, देखो ये दोनों पीछे पहुँचा दिए और 6 को हम पहले नंबर पर ले आए, 0 दूसरे नंबर पर, इस तरीके से इसमें चल रहा है पैटर्न। फिर 4 पहले पहुँच जाएगा, 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद 6 0 पहुँच जाएंगे, फिर 2 थर्ड वाला, ऐसे ही फिर 2 पहुँच जाएगा, 2 के बाद 4 6 पहुँच जाएंगे और फिर थर्ड वाला सबसे लास्ट में, अब क्या होगा 0 पहुँच जाएगा, ठीक है, 0 के बाद जैसे इसमें हुआ था ना, 2 पहुँच गया फिर 4 6, ठीक है, 2 पहुँच गया था फिर 4 6, ऐसे इसमें 0 पहुँच गया फिर 2 4 और 6, ये हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला सबसे लास्ट में पहुंचेगा, 0 2 4 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 2 4 6 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, डी। तो ऐसे सवाल में हम क्वेश्चन करते रह जाते हैं प्लस माइनस, लेकिन कुछ अलग श्रृंखला चल रही होती है, तो बच्चों ये वाला भी चेक करके देखना है आया है कौन से में, CGL एग्जाम में, समझ गए, समझ में आ गया होगा। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आई होंगे सबको, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, थैंक यू।